Methods of preparation part 4 of ether. Today we will study more methods of preparation of ether in this lecture. So next is alcohols par diazo methane ki abhikriya se ether ka prapt karna. By reaction of diazo methane on alcohols. डाईएज़ोमीथेन की जब अभिक्रिया अल्कोहल से करवाई जाती है तो हमें मिथाइल ईथर प्राप्त होता है. यहाँ हम रिएक्शन देख सकते हैं. ROH इज रिएक्टिंग विद CH2N2 यानी डाईएज़ोमीथेन, और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है ROCH3 यानी मिथाइल ईथर प्राप्त होता है, और नाइट्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होती है. So this is a very simple reaction, और यहाँ पर depend करता है कि हम कौन सा alcohol ले रहे हैं. यदि R की जगह पर हम CH3 लेते हैं तो हमें प्राप्त होता है CH3OCH3 यानी डाईमिथाइल ईथर, और यदि इसकी जगह पर C2H5 ले लिया जाए तो हमें इथाइल मिथाइल ईथर मिलेगा. तो इट डिपेंड्स हम यहाँ पर अल्कोहल कौन सा ले रहे हैं, क्योंकि डाईएज़ोमीथेन जो है ये सिर्फ CH3 का एक साइड जो है ऑक्सीजन के एक साइड पर CH3 का एडिशन करता है. निम्नतर ईथर से उच्चतर ईथर का निर्माण करना. ये इसमें हम लोअर ईथर से हायर ईथर्स का फॉर्मेशन करवाते हैं इस रिएक्शन से. लेट अस सी दिस रिएक्शन. अल्फा मोनोक्लोरो ईथर और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की परस्पर अभिक्रिया से हमें हायर ईथर प्राप्त होते हैं. अल्फा मोनोक्लोरो ईथर्स एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स दे गिव हायर ईथर्स. लेट्स सी द रिएक्शन. This is derivative of an ether and we are reacting it with a Grignard reagent. RMgX is Grignard reagent aur hame jo product milta hai that is R dash O CH2 R yani hame MgX और L अगर कहें तो इस एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है. ये हमें जो इसका बाय प्रोडक्ट मिलता है वो है MgX और Cl, और ये जो CH2OR- है वो इस जगह पर जुड़ जाता है, या ये कहें कि R इस पर जुड़ जाता है. So let's see what product is formed. The product is R dash O CH2 aur is jagah par R ruk jayega. So we have R dash O CH2 R yani humne ek ether liya jisme एक हाइड्रोजन को पहले रिप्लेस किया किसी हैलाइड से, यानी उसका डेरिवेटिव लिया, और उस डेरिवेटिव को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो एक एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है और हमें हायर ईथर प्राप्त हो जाता है. तो हम लोअर यानी निम्नतर ईथर से हायर ईथर्स प्राप्त कर सकते हैं. Let's see the reaction in this. CH3OCH2BR. यानी हमने डाईमिथाइल ईथर का डेरिवेटिव लिया है, ब्रोमीन डेरिवेटिव, और हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं C2H5MgBr से. MgBr से तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा इसमें Mg
Br2 निकल जाएगा एज अ बाय प्रोडक्ट। Mg Br2 एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा और दैट मीन्स व्हाट वी विल गेट हियर, लेट मी यूज़ द इरेजर। Mg और Br, ये वाला Br और दिस Br विल बी रिमूव्ड एंड दिस C2H5 विल एड ऑन हियर। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी CH3O CH2 C2H5। नाउ दिस इज अ हायर ईथर, दिस इज हाउ वी कैन गेट द हायर ईथर्स फ्रॉम लोअर ईथर्स।